आप सभी का स्वागत है सक्सेस की 98 में। और सबसे पहले मैं आपको ये बोलूँगा कि प्रतिशत का मैंने टोटल 8 पार्ट आप सभी को करवाया था, और साथ ही साथ कल ही मैंने आपको एक वीडियो दिया था और मैंने ये भी बताया था, कोई भी किताब हो, कैसा भी किताब हो, अगर आपको प्रतिशत का कोई भी क्वेश्चन अगर नहीं बनता है तो फेसबुक में जो ग्रुप है सक्सेस की 98 का, वहां पर मैंने एक पोस्ट डाला था कि जो भी क्वेश्चन है, कितना भी हार्ड क्वेश्चन हो जो आपसे नहीं बन रहा है, आप वहां पर हमें दे सकते हैं, उसका सॉल्यूशन मैं आपको करा दूंगा। हालांकि 8 पार्ट में मैंने हर एक टाइप के क्वेश्चन कवर कर लिए हैं, हर एक एग्जाम के लिए। आप कोई भी एग्जाम की तैयारी करते हो, उत्तर प्रदेश स्टेट पुलिस का, UPSI या फिर रेलवे, SSC, बैंक, कोई भी, हालांकि जितने भी क्वेश्चन मुझे वहां पर मिल रहे हैं ना, एका क्वेश्चन को छोड़कर सारे टाइप के क्वेश्चन मैंने कवर कर दिए हैं। अब एक बात, जिनको भी अगर लगता है कि कुछ क्वेश्चन नहीं बन रहे, आप वहां पर पोस्ट कर सकते हो, मैं आपको अगले वीडियो में पूरा उसका सॉल्यूशन भी करा दूंगा। दूसरी बात, आप लोग ये कमेंट कर बताना कि अगला मैथ का कौन सा चैप्टर आप पढ़ना चाहेंगे, A to Z, यानी बेसिक से लेकर पूरे हीरो लेवल तक, वो भी ऐसे कि जो कमजोर है उनको भी समझ में आए, जिस तरह मैंने प्रतिशत आप सभी को पढ़ाया है, ठीक है। और आज कवर करेंगे हम सभी 21 से 26 मई के इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर। उम्मीद करते हैं ना कि अब से क्लास जो है वो रेगुलर आएगा। आप सभी को पता है जो साइक्लोन चक्रवात है अम्फन के वजह से, नेट 4-5 दिन से यार, ऊपर से लॉकडाउन, ऊपर से ये समस्या, पता नहीं और कितना झेलना पड़ेगा। खैर, उम्मीद करते हैं कि अब से क्लास जो है वो आपको रेगुलर बेसिस पर मिलेगा। तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न हमारे सामने क्या निकल कर आ रहा है। और एक बात, आप हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं जो है सक्सेस की 98, आपको गूगल के प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। वहां पर जाने के बाद, डाउनलोड करने के बाद, आप अपने फोन के ऊपर हर एक एग्जाम का मॉक टेस्ट दे सकते हैं हिंदी और इंग्लिश में। अगर वहां से 349 वाला पैकेज बाय करेंगे तो 1 साल के वैलिडिटी के साथ आपको वो पैकेज मिल जाएगा, यानी 349 में 1 साल तक का वैलिडिटी रहेगा हर एक एग्जाम का, बैंक का, रेलवे का, SSC का। पहला प्रश्न हमारे सामने है। और एक बात, 6 दिन का करंट अफेयर कवर करना है तो हो सकता है कि क्लास थोड़ा लंबा हो। कोशिश करूंगा 35 से 36 मिनट में पूरा का पूरा क्वेश्चन करा दूं। और आप सभी को पता है जो भी करंट अफेयर मैं पढ़ा देता हूं, कोई भी एग्जाम देकर आना, आप बोलेंगे भैया हर एक क्वेश्चन फंस रहा है। और सुबह रात को 11:30 बजे वाला क्लास कल से स्टार्ट होगा रेगुलर बेसिस पर। पहला क्वेश्चन हमारे सामने निकल कर आ रहा है, कहां की राज्य सरकार है ना, कौन सी राज्य सरकार है जहां पर आय सृजन गतिविधियों के लिए 6 जिलों में, यानी 6 डिस्ट्रिक्ट में 50,000 एकड़ बंजर भूमि, या बंजर भूमि क्या होता है, जहां पर खेती नहीं होता है, उसका उपयोग करने के लिए ये योजना शुरू की है, ठीक है, जिसके सहायता से बागवानी और मछली पालन शामिल है। कहने का मतलब है कि 50,000 एकड़ जो बंजर भूमि है ना, उसका उपयोग किया जाएगा पश्चिम बंगाल राज्य सरकार के द्वारा, ताकि जो भी वहां पर मछली पालते हैं उन लोगों को सहायता हो पाए। और टारगेट रखा गया है 2.5 लोग जो है इस जमीन से जो है वो इनकम कर पाएंगे, उनको हेल्प हो पाएगी। और किस स्कीम के अंदर ये सब, किस योजना के अंदर, तो माटीर स्मृति, ठीक है, ये आप याद रखना। और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री कौन है, ममता बनर्जी। अगर बात करें कैपिटल तो वो है आपका कलकत्ता, और राज्यपाल कौन है वहां का, जगदीप धनकर, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, किस बैंक ने ग्राहकों के लिए डायरेक्ट टू बैंक खाता क्रेडिट सेवा विकल्प के लिए मनीग्राम के साथ जो है वो डील साइन किया है। कहने का मतलब है जो मनीग्राम में जिनका भी अकाउंट है ना, जो भी है, अब वो अपने बैंक से डायरेक्ट क्रेडिट कर सकते हैं, खाता में उनका पैसा डूब जाएगा डायरेक्ट। अब ये किस बैंक, अब ये जो ट्रांजेक्शन किया जाएगा ये किस बैंक के सहायता से, तो वो बैंक है आपका फेडरल बैंक, ऑप्शन नंबर आपका डी। और फेडरल बैंक के बारे में बता दूं कि इस बैंक का टैगलाइन क्या है, तो फेडरल बैंक का टैगलाइन है आपका योर परफेक्ट बैंकिंग पार्टनर, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, तो आप बहुत जगह आपने पढ़ा होगा कि फेडरल बैंक का जो हेडक्वार्टर है भैया वो है आपका अलुवा में। अब ये पड़ता कहां पर है, तो ये पड़ता है आपका केरल, यानी केरला में। और फेडरल बैंक के सीईओ कौन है, श्याम श्रीनिवासन, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, हाल ही में भारतीय
पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? Who has been recently appointed as the Director General, यानी DG of Archaeological Survey of India, और उनका नाम क्या है? वी विद्यावती। ऑप्शन नंबर आपका सी, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, निम्नलिखित में से किसे 2020 के लिए, यानी 2020 के लिए वाइस एडमिरल GM हरिनंद्री मेमोरियल रॉलिंग ट्रॉफी से सम्मानित किया गया है? उनका नाम बताना है, और उनका नाम है आपका लेफ्टिनेंट कमांडर अक्षय कुमार। ऑप्शन नंबर आपका बी, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक ने कोरोना वायरस पैंडेमिक यानी महामारी के दौरान भारत के शहरी गरीब और यानी शहर में जितने भी गरीब रहते हैं और प्रवासी श्रमिकों के लिए ना कितने बिलियन डॉलर पैकेज की मंजूरी दी है वर्ल्ड बैंक के द्वारा? तो 1 बिलियन। ऑप्शन नंबर आपका बी। और प्रेसिडेंट कौन है वर्ल्ड बैंक के? डेविड मालापास, और हेडक्वार्टर Washington DC जो अमेरिका में पड़ता है। और गठन कब हुआ था? तो जुलाई 1944 में, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, बॉब वाटसन जिनका हाल ही में निधन हो गया है वह किस खेल से संबंधित थे? आपको फोटो में भी दिखाई दे रहे होंगे, और ये जो ढांचे में है, जिस कॉस्ट्यूम में कपड़े पहने, जिस रंग का, जिस रूप का, आप समझ सकते हो बेसबॉल खेलते थे। क्या खेलते थे ये? बेसबॉल। ऑप्शन नंबर डी। और ये अमेरिका के खिलाड़ी थे, बहुत पॉपुलर नाम है बेसबॉल में इनका, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय सभी विश्वविद्यालय और संस्थानों में छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए कौन सा उद्यम संसाधन योजना के साथ आया है? कौन सा उद्यम संसाधन योजना शुरू किया गया है मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा? अच्छा, ये मंत्रालय है किसके पास? तो आप क्या बोलेंगे? रमेश पोखरियाल, और उस स्कीम का नाम है आपका समर्थ। ऑप्शन नंबर आपका बी। अगला प्रश्न हमारे सामने है, जनजाति मामलों के मंत्रालय ने किस कंपनी के साथ साझेदारी में देश में जनजातीय यूथ के डिजिटल कौशल के लिए गोल कार्यक्रम शुरू किया है? अब पहले आप ये भी जान लो, जनजाति मामलों के मंत्रालय जो ये है किसके पास है? तो इसके मंत्री है आपके अर्जुन मुंडा, ठीक है ना। अब जितने भी यूथ है, जितने भी नौजवान है, उनको स्किल सिखाया जाएगा। स्किल का मतलब क्या होता है? काम, ऑनलाइन धंधा, उनके हाथ में हुनर, ये सब चीज सिखाया जाएगा। किस डिजिटल कौशल विकास योजना के तहत? तो उसका नाम दिया गया है आपका गोल, और गोल का फुल फॉर्म भी आप याद रखिएगा, गोइंग ऑनलाइन एज अ लीडर, ये आप याद रखिएगा, गोल का फुल फॉर्म दिया गया है गोइंग ऑनलाइन एज लीडर, ठीक है। और किस कंपनी के साथ? तो फेसबुक के साथ। ऑप्शन नंबर आपका डी। अगला प्रश्न हमारे सामने, एशियाई औसत संरचना निवेशक निवेश बैंक, अच्छा एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने राज्य में सिंचाई में सुधार के लिए 145 मिलियन अमेरिकी डॉलर का लोन दिया है किस राज्य को एक समझौते के तहत? तो वो राज्य है आपका पश्चिम बंगाल। ऑप्शन नंबर आपका ए। और पश्चिम बंगाल के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है। अगर बात करें एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के बारे में, तो वहां के जो अध्यक्ष है, प्रेसिडेंट है, वो कौन है? जिन लिमकिन। और हेडक्वार्टर कहां पर है इसका? बीजिंग में। और इसका गठन कब हुआ था? तो इसका गठन हुआ था 16 जनवरी 2016 को, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने किस कंपनी के साथ ऑनलाइन भुगतान और डिजिटल ऑर्डरिंग के लिए अपना स्वयं का तकनीकी प्लेटफॉर्म बनाने के लिए साझेदारी की है? किसके साथ साझेदारी की गई है? तो डॉट पे के साथ। ऑप्शन नंबर आपका डी। अगला प्रश्न हमारे सामने है, जम्मू एंड कश्मीर बैंक के प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आपको बताना है नया मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है जम्मू एंड कश्मीर बैंक का? तो उनका नाम है जुबेर इकबाल। ऑप्शन नंबर आपका सी। अगला प्रश्न हमारे सामने है, बहुत पॉपुलर क्वेश्चन,
और जब जब COVID-19 कोरोना वायरस का केस मैं इस कंट्री का हमेशा डेली चेक करता हूँ, मैं देखता हूँ यहाँ पर तो बढ़ ही नहीं रहा है केस। अगर मैं आपको ग्राफ, आप भी देख सकते हो, अगर मैं ग्राफ के सहायता से समझाऊं तो इस कंट्री में पहले कोविड ऐसे स्टार्ट हुआ, ऐसे गया, आज के डेट में ना पूरा ऐसे है, पूरा ऐसे, यानी डेट भी नहीं बढ़ रहा है, मतलब जो केस है वो नहीं बढ़ रहा है। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ 16,000 समथिंग कुछ केस है, जिसमें 14,000 ठीक हो गए हैं, 200 कुछ समथिंग लोग मरे हैं। अब पता नहीं दवाई बना लिए हैं कि वैक्सीन बना है कि नहीं पता नहीं, लेकिन दावा तो इनके द्वारा किया गया था, तो कम से कम अगर बना लिए तो लोगों को जानकारी देनी चाहिए कम से कम। और क्वेश्चन यही बोल रहा है कि यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर थे, सभी को नाम पता है, इन्होंने दोबारा से इलेक्शन जीत लिया है, और ये कितनी बार अपना ये पद संभालेंगे लगातार, तो 5वीं बार, ऑप्शन नंबर आपका बी। और कैपिटल क्या है आपका, कहाँ का, ये आपको बताना है, इज़राइल का। तो इज़राइल का कैपिटल है आपका जेरूसलम। और अगर बात करूँ मुद्रा क्या इस्तेमाल करते हैं, तो इज़राइली न्यू सकील, और वहाँ के प्रधानमंत्री का नाम तो जो मैंने आपको बता ही दिया है। अगला प्रश्न जो है हमारे सामने वह यह है, निम्नलिखित में से किसने यूके यानी ब्रिटेन रिच 2020 में रूबेन ब्रदर के साथ दूसरा स्थान जो है वो साझा किया है, यानी ब्रिटेन में, यानी ब्रिटेन मतलब क्या आपका यूके, यूनाइटेड किंगडम, ठीक है, वहां पर सबसे अमीर कौन है, तो नंबर 1 पर जो है ना वो है आपका जेम्स डायसन टॉप्स, ये नाम मैंने लिख दिया है। दूसरे नंबर पर जो है वो रूबेन ब्रदर्स है, और इनके साथ साथ हिंदुजा ब्रदर, इन्होंने भी स्थान स्थापित किया है, यानी दोनों दो नंबर पोजीशन पर ये प्लस रूबेन ब्रदर दोनों हैं ब्रिटेन में, लेकिन टॉप पर कौन है, जेम्स डायसन टॉप्स, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, पूर्व रग्बी लीग के कप्तान आर्थर समन, जिनका निधन हाल ही में हुआ है, वह किस देश से संबंधित थे, ये आपको बताना है, तो वो ऑस्ट्रेलिया के थे, और ऑस्ट्रेलिया कैपिटल कैनबरा, करेंसी ऑस्ट्रेलियन डॉलर, और प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन। अगला प्रश्न हमारे सामने, मध्य प्रदेश सरकार ने नंगे पांव जा रहे प्रवासी मजदूर को जूते और चप्पल उपलब्ध कराने की पहल की है, किस पहल के तहत की है, यानी जो ये जूते और चप्पल दिए जा रहे हैं प्रवासी मजदूर को मध्य प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा, किस पहल के तहत, तो उस पहल का नाम दिया गया है आपका क्या, ऑप्शन नंबर आपका सी, चरण पादुका, ठीक है, और मध्य प्रदेश का सीएम कौन है, शिवराज सिंह चौहान, गवर्नर लालजी टंडन, और कैपिटल की बात करो तो वहां का राजधानी आपका भोपाल है। अगला प्रश्न हमारे सामने, स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन 18 मई को होने वाले, यानी जो 18 मई को जो वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा विश्व स्वास्थ्य सभा हुआ था ना, होने वाले WHO के वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था, तो आप सभी को पता है, वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था हर्षवर्धन ने, और आपको क्वेश्चन में ये बताना है, जो ये वर्ल्ड हेल्थ असेंबली हुआ था ये कितना नंबर था, तो ये 73वां नंबर था, ऑप्शन नंबर आपका बी। अगला प्रश्न हमारे सामने, अलीबाबा के जो CEO है, जो फाउंडर है जैक मा, बहुत बड़ा नाम पूरे विश्व भर में, इन्होंने हाल ही में किस कंपनी के बोर्ड सदस्य के रूप में इस्तीफा दिया है, क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अलीबाबा अपने आप में बहुत बड़ा कंपनी है, और जैक मा बहुत बड़े इंसान यानी बहुत अमीर, इन्होंने सॉफ्ट बैंक के बोर्ड के सदस्य से जो है वो इस्तीफा दे दिया है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, गोल्डमैन सैक के अनुसार जून की तिमाही में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कितने प्रतिशत की गिरावट की संभावना दर्ज की गई है, जो पहले अनुमानित 0.4% तक किया गया था, तो 45% तक, ऑप्शन नंबर आपका सी। अगला प्रश्न हमारे सामने है, विश्व एड्स वैक्सीन दिवस यानी HIV टीके के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए किस तिथि को प्रतिवर्ष मनाया जाता है, ये बताना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, याद रखिएगा। पहले तो आप याद रखना, अगर यहां पर बात क्या कर रहा है, वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे का,
ठीक है, तो यह कब मनाते हैं? यह मनाते हैं हम सभी 18 मई को। लेकिन अगर बात करें हम बस वर्ल्ड एड्स डे कब मनाते हैं, अगर आपको एग्जाम में बोला जाए वर्ल्ड एड्स डे, तो यह मनाते हैं आपका 1 दिसंबर को। लेकिन एग्जाम में पूछता है वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे, तो आप क्या बोलेंगे? 18 मई। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है, अमेरिका के राष्ट्रपति जो डोनाल्ड ट्रंप द्वारा अमेरिका में कोरोना वायरस हीरो के रूप में मान्यता प्राप्त 2 लड़कियों का नाम बताना है। यानी कोरोना वायरस हीरो का टैग दिया गया है 2 लड़कियों को अमेरिका के राष्ट्रपति के द्वारा, उन 2 लड़कियों का नाम क्या है? तो पहला तो नाम है आपका लैला खान, जो 10 साल की बच्ची है पाकिस्तान की, उनको दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी। और दूसरा जो नाम है वो है आपका श्रेया अनप्पा रेड्डी। ठीक है, यह जो है इनका जन्म इंडिया में हुआ था लेकिन अमेरिका में बस गई थी, तो ऑप्शन नंबर आपका डी। अगला प्रश्न हमारे सामने है, किस बैंक ने अपना भारत का पहला शून्य संपर्क वीडियो केवाईसी बचत खाता लॉन्च किया है? यानी कहने का मतलब है, अगर आपको नो केवाईसी का फुल फॉर्म क्या होता है, नो योर कस्टमर, अगर आपको केवाईसी वगैरह कराना है तो आप वीडियो के माध्यम से करा सकते हैं बिना किसी के संपर्क में आए, यानी आपको बैंक वगैरह नहीं जाना पड़ेगा। और ये सुविधा किसने दी है? तो कोटक महिंद्रा बैंक ने, ऑप्शन नंबर आपका डी। कोटक महिंद्रा बैंक के सीईओ कौन है? उदय कोटक, सभी को पता है, बहुत बड़ा नाम। और कोटक महिंद्रा बैंक का स्लोगन क्या है? तो वो है आपका लेट्स मेक मनी सिंपल। और हेडक्वार्टर क्या है? तो वो है आपका मुंबई। अगला प्रश्न हमारे सामने है, नबार्ड, बहुत बड़ा नाम एग्रीकल्चर के फील्ड में, जो अलग अलग कोऑपरेटिव बैंक होता है, जो भी गांव वगैरह का बैंक होता है, उसको लोन देता है, पैसा देता है, किसान बहुत ज़्यादा इनके ऊपर ही डिपेंड है, नबार्ड के ऊपर। ठीक है, नबार्ड के नए चेयरमैन बने, आपको पता है ना, मैं कराऊंगा आज की क्लास में क्वेश्चन, पहले कौन था नबार्ड का चेयरमैन? हर्ष कुमार भनवाला, लेकिन वो चेंज हो गए। क्वेश्चन क्या बोल रहा है पहले वो पढ़ लेते हैं। नबार्ड ने विभिन्न राज्यों में सहकारी बैंक यानी कोऑपरेटिव बैंक और आरआरबी बैंक यानी रीजनल रूरल बैंक को कितने रुपए की विशेष तरलता सुविधा प्रदान की है? तो 20,500 करोड़ रुपए का। जैसे मैंने आपको बताया कि कोऑपरेटिव बैंक है या फिर जो भी गांव के बैंक होते हैं, ग्रामीण बैंक होते हैं, उनको जो पैसा देता है वो कौन देता है? नबार्ड देता है। ठीक है, अब 20,500 करोड़ रुपए जो है वो दिए जाएंगे कोऑपरेटिव बैंक और आरआरबी बैंक को। अब इसमें 20,500 करोड़ में से कोऑपरेटिव बैंक को दिया जाएगा 15,200 करोड़ रुपए। ठीक है, अगर बात करें ग्रामीण बैंक, रीजनल रूरल बैंक, तो इनको दिए जाएंगे 5,300 करोड़ रुपए। दोनों चीज क्लियर ना? अगला प्रश्न हमारे सामने है, निम्नलिखित में किसे विश्वास सभा का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? सारे के सारे क्वेश्चन ये काफी इंपॉर्टेंट है, और उनका नाम क्या है? केवा बैन, ऑप्शन नंबर आपका सी। और वही अगर बात करूं विश्वास संगठन का, तो अध्यक्ष कौन है? टेड्रोस एधोनोम, हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में, और गठन कब हुआ था? 7 अप्रैल 1948 में। यहां पर याद रखिएगा एक बात कि WHO का नहीं, यहां पर बोल रहा है विश्व सभा का अध्यक्ष, तो उनका नाम है केवा वेन। अगर बात करें WHO का, तो आप क्या बोलेंगे? टेड्रोस एधोनोम। अगला प्रश्न हमारे सामने है, अलेक्जेंडर डेलरिम्पल अवार्ड किसे दिया गया है 2019 का? और यह अवार्ड दिया गया है आपका वाइस एडमिरल विनय वाडवार, ऑप्शन नंबर आपका डी। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है, किस राज्य ने हाल ही में भारत में स्टार्टअप के लिए एक साइबर सुरक्षा आप बोल सकते हो इनक्यूबेटर प्रोग्राम जो है वो हैक शुरू किया है? ये हैक कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया? पहले क्वेश्चन को समझ लो क्या बोल रहा है। ये शुरू किया गया है कर्नाटका राज्य सरकार के द्वारा। आप सभी को पता है जितनी भी आईटी कंपनी है, जितनी भी आईटी कंपनी के हब होते हैं, जो मेन ब्रांचेस होते हैं, वो कहां पर होता है? कर्नाटका बेंगलोर में। अब बहुत सारी कंपनी क्या करती है? ऑनलाइन काम करती है। ठीक है ना, जब ऑनलाइन काम करेगी तो काम करेगी सॉफ्टवेयर के ऊपर, सॉफ्टवेयर वगैरह होता है।
अगर वो सॉफ्टवेयर हैक हो जाए मान लो तो क्या होगा, पूरा का पूरा कंपनी डूब जाएगा फिर तो। इसीलिए अभी ऑनलाइन, अभी कोविड 19 पैंडेमिक कोरोना वायरस महामारी में कर्नाटका राज्य सरकार ने एक हैक कार्यक्रम शुरू किया है ताकि जितने भी सॉफ्टवेयर पर काम होता है वहां पर उसकी सुरक्षा की जा सके। कौन हैक कर रहा है, कौन हैक नहीं कर रहा है, कौन डाटा लीक कर रहा है, कौन डाटा लीक नहीं कर रहा है, सब कुछ नजर रखा जाएगा इस कार्यक्रम के तहत। इसीलिए इसका नाम दिया गया है आपका हैक। कहां पर? कर्नाटका में। कर्नाटका के सीएम येदियुरप्पा साहब, गवर्नर वजुभाई वाला, और कैपिटल क्या है तो वो है आपका बेंगलुरु। अगला प्रश्न हमारे सामने, 20 मई को प्रतिवर्ष मनाए जाने वाला विश्व मेट्रोलॉजी दिवस का विषय क्या है? याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे 20 मई को मनाते हैं, इस बार का विषय क्या है? मेजरमेंट्स फॉर ग्लोबल ट्रेड, ऑप्शन नंबर आपका सी। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है, पुरुषोत्तमन जिनका हाल ही में निधन हो गया है वह एक प्रसिद्ध क्या थे? यह एक संगीतकार थे, आपको फोटो में दिखाई दे रहा होगा, बहुत बड़े ड्रम, ये तो ड्रम इतना, यहाँ पर देखो लिखा भी गया है बेस्ट ऑफ प्योर कलेक्शन ड्रम्स, ये ड्रम बहुत अच्छा बजाते थे और ये बहुत बड़े संगीतकार थे। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारे सामने है, विश्व मधुमक्खी दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है ताकि ग्रह को स्वास्थ्य रखने में मधुमक्खियों की भूमिका के बारे में जागरूकता बढ़ाई जा सके? तो यह कब मनाते हैं? यह मनाते हैं हम सभी 20 मई को, ऑप्शन नंबर आपका बी, 20 मई। अगला प्रश्न हमारे सामने, नेपाल सरकार ने नए मानचित्र प्रकाशित करने का निर्णय लिया है और ये कर दिया गया है वहां में, वहां के संसद के द्वारा नेपाल का नया जो मैप है वो जारी कर दिया गया, पारित कर दिया गया है। और उस मैप में क्या हुआ है, झमेला चल रहा है बहुत, जिसमें दोनों देश के बीच यानी भारत और नेपाल के बीच बढ़ती सीमा रेखा के बीच भारत के कौन से क्षेत्र शामिल है, तो वो कौन सा है? लिपू लेक और कालापानी, ऑप्शन नंबर डी। बहुत डिटेल में अगर देखो, अगर आप संधि पढ़े होंगे, अगर आपने कभी इतिहास पढ़ा होगा, जो संधि साइन हुआ था ब्रिटिश और नेपाल के बीच में भारत सरकार को लेकर 1816 और 1815 वाला, तो वहां पर एक मैप बनाया गया था, बहुत कुछ डिटेल आपने वहां पर मिल जाएगा, हर एक जानकारी। उसी मैप को लेकर बवाल चल रहा है। अब नेपाल बोलता है हम भी उसी संधि को मानते हैं और इंडिया बोलता है हम भी उसी संधि को मान रहे हैं, लेकिन यहां पर दोनों देश को चाइना लड़ा रहा है। अगर आप थोड़ा सा उस संधि को पढ़ेंगे ना, तो पूरा का पूरा जो मैटर है वो पानी के तरह आप सभी के पास साफ हो जाएगा। ठीक है ना, अगला प्रश्न हमारे सामने है, केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री कौन है? रमेश पोखरियाल ने यह बोला है जेई मेंस और नीट 2020 के लिए मॉक टेस्ट लेने के लिए कौन सा एप्लीकेशन लॉन्च किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, और उस एप्लीकेशन का नाम है नेशनल टेस्ट अभ्यास, राष्ट्रीय टेस्ट अभ्यास, ऑप्शन नंबर आपका डी। अगला प्रश्न हमारे सामने है, उस कंपनी का नाम बताना है जिसने कोरोना वायरस पैंडेमिक के बीच मेडिकल स्टाफ और लोगों की मदद के लिए कई तरह के रोबोट बनाए हैं। अब ये किसने बनाया है? जयपुर की एक कंपनी है क्लब फर्स्ट, उन्होंने बहुत सारे रोबोट बनाए हैं। क्या करेगा वो रोबोट भैया? देखो अभी तो जो भी कोरोना वायरस पॉजिटिव है उनके पास जाने भी डॉक्टर वगैरह बहुत डर रहे हैं, क्योंकि सभी संक्रमित हो रहे हैं, तो ये रोबोट क्या करेंगे? सैनिटाइजर वगैरह छिड़केंगे, रोबोट छिड़केगा। रेस्टोरेंट में खाना वगैरह कौन लेकर जाएगा? रोबोट। तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव बोल सकते हो। ठीक है, तो बहुत सारे रोबोट किसने बनाए? क्लब फर्स्ट, जो जयपुर की एक कंपनी है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने, ईपीएफ एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड 12% से घटाकर कितना कर दिया गया है? 10%, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न हमारे सामने है, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के नए कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इंडिया के डॉक्टर हर्षवर्धन को, ऑप्शन नंबर डी, जो हमारे लिए प्राउड की बात है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, उप सहारन अफ्रीका, यहां पर सहारा हो गया, सहारन होगा, ठीक है ना,
सहारन अफ्रीका में कोविड 19 से प्रभावित बच्चों और परिवारों का समर्थन करने के लिए यूनिसेफ ने किस कंपनी के साथ डील साइन की है? तो वो कंपनी है आपका एयरटेल अफ्रीका, ऑप्शन नंबर आपका डी। और एक बात, यूनिसेफ का हेड कौन है? हेनरिएटा एच4। गठन कब हुआ था? 11 दिसंबर 1946 में। और हेडक्वार्टर कहां पर है? न्यूयॉर्क अमेरिका में। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है, अगला प्रश्न हमारे सामने, फेसबुक ने मुफ्त में ऑनलाइन स्टोर स्थापित करने के माध्यम से छोटे व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए कौन सा नया ई कॉमर्स उद्यम शुरू किया है? अब यहां पर क्या है, एक स्टोर बोल सकते हो, फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर चालू किया गया है फेसबुक के द्वारा, जिसका नाम दिया गया है शॉप। अब यहां पर जो है ना, लोग क्या कर सकते हैं, अपना जो भी सामान है वहां पर बेच सकते हैं। जैसे अमेजन है ना, फ्लिपकार्ट है ना, स्नैपडील है ना, सेम उसी तरह फेसबुक ने भी चालू किया है। ठीक है ना, नाम क्या दिया गया है? शॉप्स। अगला प्रश्न हमारे सामने है, कौन सा देश लॉकडाउन के बाद कार्यस्थलों पर एक सुरक्षित वापसी की मांग करने के लिए डिजिटल इम्यूनिटी पासपोर्ट लाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? दुनिया का पहला देश, इसका मतलब क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। और क्वेश्चन क्या बोल रहा है भैया, थोड़ा समझाइए। क्वेश्चन ये बोल रहा है ना, अगर आप कभी एयरपोर्ट पर जाएंगे तो आपका इम्यून सिस्टम का भी टेस्ट किया जाएगा कि आपको सांस लेने में प्रॉब्लम है कि नहीं है, आपका इम्यून सिस्टम कैसा है, आपको कोई अस्थमा वगैरह की बीमारी तो नहीं है ना। और इसका पूरा जानकारी एक बार टेस्ट करने के बाद आपके पासपोर्ट के ऊपर भी वो चीज अवेलेबल रहेगा, तो बहुत बढ़िया चीज है। और ये स्टार्ट किसने किया है, कौन सा देश है? तो वो देश है आपका ऑप्शन नंबर सी, एस्टोनिया। ठीक है, और एस्टोनिया के प्रेसिडेंट की बात करूं तो नाम क्या है, तो उनका नाम है आपका कस्टी कलजुलेड। और कैपिटल, राजधानी क्या है? तल्लीन। और मुद्रा क्या इस्तेमाल करते हैं, तो मुद्रा इस्तेमाल करते हैं वहां पर यूरो। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है, राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस, नेशनल एंटी टेररिज्म डे कब मनाते हैं? 21 मई को, आप सभी को पता है। और इस दिन भारत के पूर्व बेहतरीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी का निधन भी हुआ था, ठीक है ना, इसीलिए इस दिन क्या मनाते हैं, नेशनल एंटी टेररिज्म डे। ठीक है, और अच्छा, राजीव गांधी कितने नंबर प्रधानमंत्री थे? तो आप सभी को पता है देश के छठे प्रधानमंत्री थे इंदिरा गांधी जी के बाद। अगला प्रश्न हमारे सामने है, एक किताब लॉन्च किया गया है और ये किताब बहुत पॉपुलर है, एग्जाम में पक्का बनेगा क्योंकि इसको लिखा है बहुत बड़े राइटर ने। किताब का नाम क्या है? होप ऑन माई एडवेंचर ऑन बोट्स ट्रेन एंड प्लेस। और ये किताब लिखा गया है आपका रस्किन बॉन्ड के द्वारा, ऑप्शन नंबर आपका डी। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है, राष्ट्र राजमार्गों पर चलने वाले प्रवासी श्रमिकों के बारे में जानकारी एकत्र करने और उन्हें परिवहन सुविधा प्रदान करने के लिए किस राज्य ने एक एप्लीकेशन, एक योजना लॉन्च की है तत्पर? तो झारखंड राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, गवर्नर द्रौपदी मुर्मू, और कैपिटल तो वो है आपका रांची। अगला प्रश्न हमारे सामने है, महाराष्ट्र सरकार ने कौन सी पहल शुरू की है जो राज्य भर में किसानों के कल्याण पर केंद्रित है? तो मां अन्नपूर्णा, ऑप्शन नंबर आपका सी। ठीक है, मी अन्नपूर्णा होगा, मां नहीं होगा, मी। यहां पर मुझे दोनों एक ही लग रहा है, यहां पर देख लेना अच्छे से आप सभी, मी अन्नपूर्णा। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है, किस राज्य की सरकार ने युवाओं को उद्यमिता के लिए प्रोत्साहित करने के लिए स्टार्टअप फंड शुरू कर दिया है? तो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा इसके अंदर 15 करोड़ का पहला फंड दिया जा चुका है, जिसके अंदर लोगों को, जितने भी यूथ हैं, ठीक है, जितने भी वहां के नौजवान हैं अलग अलग क्षेत्र का, जो पढ़ाई करते हैं, जो तैयारी करते हैं, अलग अलग क्षेत्र को जो है वो हेल्प किया जाएगा। किस राज्य सरकार ने? तो उत्तर प्रदेश, गवर्नर आनंदीबेन पटेल, कैपिटल लखनऊ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, नरेडको के महानिदेशक यानी डायरेक्टर जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राजेश गोयल, ऑप्शन नंबर आपका बी।
अगला प्रश्न हमारे सामने है, लेसोथो, लेसोथो के प्रधानमंत्री ने अभी हाल फिलहाल में इस्तीफा दिया है और 20 मई को नए प्रधानमंत्री का घोषणा भी किया गया है। तो जिसने इस्तीफा दिया है उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है आपका थॉमस थाबने, ऑप्शन नंबर डी। और पहला क्वेश्चन यहीं से निकल कर आ रहा है, 20 मई को लेसोथो के जो प्रधानमंत्री ने शपथ ग्रहण किया है ना, उनका नाम बताना है, वहां का मुद्रा और वहां का राजधानी, ये तीन चीज आपको कमेंट कर बताना है। यह आपका आज का पहला प्रश्न है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, निम्नलिखित में से किस भारतीय को इस्पात संघ के नए अध्यक्ष के रूप में जो है वो नामित किया है, यानी इंडियन स्टील एसोसिएशन का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो उनका नाम है दिलीप ओमान, ऑप्शन नंबर आपका डी। अगला प्रश्न हमारे सामने जो आ चुका है, नबार्ड के नए चेयरमैन का नाम लिख कर ले लो, एग्जाम में बनेगा पक्का है। उनका नाम क्या है? गोविंदा रजालू चंटिला, ऑप्शन नंबर आपका सी। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने, जम्मू कश्मीर लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो बी आर शर्मा, ऑप्शन नंबर डी। तो ये थे आपके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर 21 से 26 मई। क्लास मैंने बहुत जल्दी कराया है, मुझे भी एहसास हो रहा है, फटाफट क्वेश्चन पढ़ रहे आंसर बता रहे हैं, क्योंकि 6 दिन का था क्लास, थोड़ा लंबा था तो कवर करने में टाइम लगा। ठीक है, कल से डेली सुबह में 4:30 बजे आपको रेगुलर करेंट अफेयर का क्लास तो मिलेगा ही मिलेगा, प्रॉमिस करते हैं। ठीक है ना, सो मेरे जितने भी भाई बहन देख रहे हैं सभी को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग, आपका दिन बहुत अच्छा हो, और अपने साथ साथ अपने मम्मी और पापा दोनों का ही ख्याल रखिएगा। ठीक है ना, चलिए।